मैं हूं श्रेयस और आप देख रहे हैं श्रेयस आर्ट क्लासरूम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मोनी रॉय का पोर्ट्रेट कैसे ड्रॉ करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कियारा आडवाणी जी का पोर्ट्रेट कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मैंने अभी अभी शेरशाह मूवी देखी है गाइस, उसमें जो कियारा आडवाणी जी का लुक था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम ड्रॉ करने वाले हैं पोर्ट्रेट ऑफ कियारा आडवाणी। तो वीडियो को आगे तक देखिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। आंखों की आउटलाइन ड्रॉ करनी है हमें। देखिए आंखों की आउटलाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद हमें नोज की आउटलाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद लिप्स ड्रॉ करने हैं, उसके बाद फेस का जो आउटलाइन है हमें उसको ड्रॉ करना है, और फेस ड्रॉ करने के बाद हम हेयर्स ड्रॉ करेंगे। हेयर्स ड्रॉ करने के बाद हम कान ड्रॉ करेंगे। कान ड्रॉ करने के बाद हम नेक ड्रॉ करेंगे। नेक ड्रॉ करने के बाद हम ड्रेपरीज ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम ईयर रिंग्स ड्रॉ करेंगे। अब हम शेडिंग स्टार्ट करते हैं। फोरहेड में हमें शेडिंग करनी है। बस हमें जो हमारा 4B पेंसिल का डस्ट निकालना है उसको हमें पूरे फेस पे ब्लेंडिंग स्टम्प या फिर रफ क्लॉथ की मदद से रफ कर देना है। फिर आँखों के पोर्शन में जो डार्क है, डार्क पोर्शन है, हमें उसको शेडिंग कर देनी है। शेडिंग करने के बाद हमें फिनिशिंग देनी है गाइस। आँखों के पोर्शन में हमने थोड़ा सा डार्क कर दिया था, उसको हम थोड़ा लाइट करेंगे। अभी आँखों के पास हमें वापस से डार्क करना है, जैसा कि हमारे रेफरेंस में दिया गया है। इस बार मैं रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि जो जैसा हमने रेफरेंस लिया था वैसे ही हमें सेम टू सेम ड्रॉ करना है। तो रेफरेंस में आँखों के पास ज़्यादा डार्क है तो हमें डार्क करना है। नोज़ के पास भी डार्क है तो हमें डार्क देना है। 6B पेंसिल की मदद से नोज़ को अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद आँखों के ऊपर की लाइन है उसको ड्रॉ कर देंगे हम। 4B पेंसिल का यूज़ करना है। उसके बाद हमें आँखों के ऊपर जो काजल जैसा कुछ है उसको हमें डार्क करना है 8B पेंसिल की मदद से। उधर बहुत ही डार्क है तो हम 8B पेंसिल यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें ड्रॉ करना है आँखों के नीचे की डिटेलिंग्स। आँखों की डिटेलिंग्स के लिए हमें बस 8B पेंसिल को दबा के यूज़ करना है, क्योंकि उधर बहुत ही डार्क है। उसके बाद हम आई बॉल में शेडिंग करेंगे। आई बॉल में शेडिंग करने के लिए 8B पेंसिल का यूज़ करना है, क्योंकि उधर भी बहुत डार्क है। फिर उसके बाद थोड़ा सा लाइट है तो हमें 4B पेंसिल का यूज़ करना पड़ेगा, और इस वाले पोर्शन में थोड़ा डार्क है तो हमें 8B पेंसिल का यूज़ करना पड़ेगा। तो 8B पेंसिल को यूज़ करते हुए हमें आँखों की आउटलाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें आई लैशेज को जो थोड़े थोड़े दिख रहे उसको हमें डिटेलिंग कर देनी है। उसके बाद हम आँखों के ऊपर वाले पोर्शन पे शेड थोड़ा डार्क है तो हम उसको डार्क कर लेंगे। फिर नोज़ को हम ड्रॉ करेंगे, नोज़ में शेडिंग करेंगे। फिर उसके बाद हमें आईब्रो में शेड देनी है। आईब्रो में शेड देने के लिए बस 4B पेंसिल का डस्ट वहाँ पे लगा दो, ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से उसको आकार दे दो। अभी सेकेंड वाली आईज को हम स्टार्ट करेंगे। उधर हमें डार्क करना है, मतलब हमें 6B पेंसिल का डस्ट यूज़ करना है। और इस वाले आईब्रो पे 6B पेंसिल का डस्ट मैंने लगा दिया है, क्योंकि उधर थोड़ा डार्क था, जैसा कि हमने ये फ़ोटो में देख रहे हैं गाइज। ये फ़ोटो जो बाजू में रखा है मैं उसको देख देख के ये ड्राइंग बना रहा हूँ। तो आप भी आपके रेफरेंस के लिए ये फ़ोटो ले लीजिए, या फिर मैं इस फ़ोटो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अभी ये सेकंड वाली आई बॉल को हम डार्क दे देंगे। उसके बाद उसमें हाईलाइट को हम शेड नहीं करनी है, उसको वाइट ही रखना है। उसके बाद आईबॉल में 8B पेंसिल का यूज़ करके जो डार्क पोर्शन है हमें उसको डार्क कर देना है। उसके बाद लेफ्ट वाली साइड में लाइट पोर्शन है तो हमें 2B पेंसिल का यूज़ करना है, और बाजू में हाईलाइट दे देने हैं वाइटनर की मदद से, या फिर आपके पास वाइट पेन हो तो आप वाइट पेन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नोज़ को हमें डार्क देना है। उसके बाद अपर लिप्स पे जो है उधर डार्क पोर्शन है तो मैं उधर शेडिंग कर रहा हूँ। देखो फोटो से देख देख के मैं बना रहा हूँ गाइस। ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा डिफ़िकल्ट है ड्रॉ करने के लिए, इसीलिए ध्यान से फ़ोटो में जैसा ड्रॉ किया है वैसा ही ड्रॉ करें, क्योंकि उससे हमारा ड्राइंग जो है वो रियलिस्टिक दिखेगा। अभी अपर लिप पे जो 4B पेंसिल की यूज़ करके मैंने ये कर दिया है शेडिंग। उसके बाद नोज़ में जो डार्क था नोस्ट्रिल के पास उसको मैंने डार्क कर दिया है।
फिर हम चीक्स पे शेडिंग करेंगे, उसके बाद ये बिंदी को हमने डार्क कर दिया है, बिंदी या फिर कुछ बोलते उसको, हाँ उसको डार्क कर दिया है। उसके बाद हमने किया है नेक पे शेडिंग, उसके बाद हम कान में शेडिंग कर देंगे। ईयर्स में हमें होल को जो है वो बहुत ही डार्क करना है, मीन्स वहाँ पे हमें 6B पेंसिल यूज़ करनी है। अभी हेयर्स को हम बेस कोट दे देंगे, सबसे पहले ये लाइट कर लेने हैं हमें हेयर्स। ऐसा करने से हमारे जो हेयर्स है वो रियलिस्टिक दिखने लगते हैं। अभी हमें चारकोल स्टिक या फिर 8B पेंसिल की डस्ट निकाल के जो है बालों को डार्क कर देना है। बालों को डार्क करके हमें सबसे पहले बेस कोट दे देना पड़ेगा, ऐसा हमें हर जगह पर कर देना है बालों की हर जगह पे। ऐसा करने से हमारे बाल जो है वो ओरिजिनल दिखते, ऐसा नहीं लगता कि हमने विग चढ़ा दी हो। नहीं तो हम जब डायरेक्टली पेंसिल से बाल ड्रॉ करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने विग लगा दी हो हमारे सब्जेक्ट को। अभी बालों को डार्क करने के बाद हम इरेजर को कट करके हाइलाइट्स देंगे बालों में, या फिर आपके पास वाइटनर है तो आप वाइटनर का यूज़ करें और बालों में हाइलाइट दे दीजिए। और 8B पेंसिल की मदद से जो डार्क लाइन्स है बालों की, उसको मैं स्ट्रोक्स दे रहा हूँ। सिंपली देखो ऐसे स्ट्रोक्स देने हैं आपको, क्योंकि उधर सब्जेक्ट में भी ऐसा ही किया गया है, तो हमें सेम टू सेम ड्रॉ करने के लिए फ़ोटो में जैसा है वैसा ही हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए इधर ये बालों की इधर वाली लट है, उधर भी हमें स्ट्रोक्स दे देने हैं। उसके बाद हमें ड्रॉ करना है बालों की डिटेलिंग्स। देखो ये थोड़े से बाल इधर उधर उड़ रहे हैं, तो उसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि उससे है हमारा ड्राइंग जो है ना ओरिजिनल दिखेगा। अभी ये हाइलाइट्स दे देंगे हम बालों को। देखो हाइलाइट्स देने के बाद हमारे बाल कितने ओरिजिनल लगने लगे हैं। अभी हाइलाइट्स देने के बाद हमें कुछ हमारा जो बाल को जब हम शेडिंग कर रहे थे वो हमारा पोर्शन बाहर चला गया था ना, हमें उसको रब कर देना है। अभी हम लिप्स की शेडिंग स्टार्ट करते हैं। लिप्स की शेडिंग के लिए जैसा कि मैंने आपको बेसिक ट्यूटोरियल्स में बताया था वैसे ही शेडिंग करनी है। उसके बाद लिप्स में शेडिंग करने के बाद सिर्फ 2B पेंसिल से स्ट्रोक्स देने हैं, और जो डार्क पोर्शन है उधर हमें 8B पेंसिल का यूज़ करके लिप्स की जो मिडल लाइन है उसको डार्क कर देना है। फिर ये 2B पेंसिल से हम स्ट्रोक्स दे देंगे, जिससे कि हमारा ड्राइंग ओरिजिनल दिखेगा। देखो लिप्स कितने ओरिजिनल दिख रहे हैं। उसके बाद ये बिंदी को हम डार्क कर देंगे, क्योंकि ये वो जो फोटो में डार्क ही है। अभी ये फेस की जो आउटलाइन है उसको हम शेड दे देंगे, उसको हम वापस से थोड़ा सा ड्रा करेंगे। उसके बाद ये चिन पे जो है तिल था वो तो मैंने उसको ड्रा कर दिया है। अभी ईयर रिंग्स को हमें शेडिंग करनी है। ज्वेलरी की शेडिंग करने के लिए बस सिंपली हमें बस डिज़ाइन बना देनी है। आपको जैसी भी डिज़ाइन आती है वैसी बना दीजिए गाइस, क्योंकि ज्वेलरी को इतना कोई नहीं देखता है। देखो मेरे को तो डिज़ाइन अच्छे से कुछ जम नहीं रहा है, तो मैं इसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। उसके बाद ये मोती बना देने हमें वाइटनर की मदद से। अभी हम सब्जेक्ट को इरेज कर देते हैं। तो देखिए गाइस हमारा कियारा आडवाणी जी का पोर्ट्रेट रेडी हो चुका है, और हम बालों में थोड़ा सा काम बाकी था इसलिए मैंने बालों को डिटेलिंग दे दिए। हमारा पोर्ट्रेट रेडी हो गया गाइस, देखो कितना फैंटास्टिक लग रहा है हमारा पोर्ट्रेट और रियलिस्टिक भी लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फाइनली हमारा स्केच कंप्लीट हो गया है। ये था हमारा रेफरेंस और ये था हमारा आर्ट वर्क। इन दोनों में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा प्लीज़ हमें प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए, और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरे स्टूडेंट से मिलवाने वाला हूँ। तो मेरे स्टूडेंट्स ने कुछ ड्राइंग्स ड्रॉ किए हैं, तो मैं उनको आपको आज वो ड्राइंग्स दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने बोला था कि आज मैं मेरे स्टूडेंट से आपको मिलवाने वाला हूँ, तो इसका नाम है आयुष। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डाला था कि मोनी रॉय का पोर्ट्रेट कैसे ड्रॉ करना है, वो वीडियो देख के इसने ऐसा पोर्ट्रेट ड्रॉ किया है। देखो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक कर देना। ये हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट, इसने भी मोनी रॉय की ड्रॉइंग ड्रॉ की है। हमारा वीडियो देख के देखो इसमें कितनी इंप्रूवमेंट आई है, देखिए इसका स्केच। तो इसने भी हमारा वीडियो देख के ड्राइंग सीख ली है गाइस। तो ये है हमारे श्रेयस आर्ट क्लासरूम के फैंस, तो इन्होंने भी अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। इनको हमारे आर्ट वर्क और हमारे स्टूडेंट्स के जो आर्ट वर्क है वो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।